देख लो कौन मेरे YouTube फैमिली। और आज है दशहरा के दूसरे दिन। आज बहुत यम्मी यम्मी खाना बनाए, सिंपल सोबर होता है ना, स्वादिष्ट वो वाला। कोई आया है हमारे यहाँ, उनको भी उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और आज मौसम भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। महारानी जो हमारी है पद्मावती, अभी नहा के आई है, क्योंकि आज लाइब्रेरी नहीं गई पद्मावती। तो पद्मावती धीरे 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 पूरे अपने हिसाब किताब से काम करती है, धीरे धीरे। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को खाना मैं आज का। पहले चावल, ये हमारी बहुत ही अच्छी फ्राई वाली मसूर की दाल, प्याज लहसुन टमाटर वाली। आलू का भुजिया, ये भिंडी का भुजिया, और ये सलाद। तो ये हमारा भोजन है आज का। अभी पापड़ सेकने वाली थी लेकिन मन उतर गया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब सलाद वलाद है, नींबू। तो ये खाना कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ओए देख लो कौन आया है और सो रहा है कैसे काला कलूटा। उठ के बैठ, और कल जा भी रहा है, ये दो दिन के लिए आया था। शरीर भी सीधा नहीं हो रहा है क्या तेरा? अब बाल कटवा के आया, ये देखो उसके बाद भी ऐसे ही बाल है इसका, गंदा सा। चला जा खान, काला कलूटा क्या, एक महीने में तो ये हालत है। अभी तो चार साल में तो पता है, मुझे लग रहा है हड्डी वो दिखेगा स्टैंड जैसा, स्टैंड जैसे ये स्टैंड, तेरा दोनों पैर हाथ वो मुंडी ऐसे बन के आएगा ये। चला जा खाना खा ले, वो सॉफ्टी ना याद करके वो ले लेना, मैं सिमरन के ला दूंगी, कान साफ करने वाला। हाँ डाल ही ले, फिर भूल जाएगा, बैग हाथ में ले ले, बैग में डाल लेना। चलो इसको खाना दे देती हूँ, ये महाराज आए हैं और कल चला भी जाएगा, अब दीपावली पे आएगा। दो क्या दूँ? बाल्टी वो जो ऊपर सफ़ेद वाला लगा है ढककर, उसमें भी कर देना थोड़ा। कितना तभी हवा कम हो गया था इसका, फिर क्या 25 को आएगा ये, तो फिर लेट हो जाएगा। शाम को आऊँगा 26 तो, वही तो 26 को आएगा तू, 27, 28, 29 तब नहीं हो पाएगा। मैं पंखा साफ रहेगा ना, फिर मैं तो इधर का अभी जल्दी कर लूँगी। आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। इधर मैं चावल बन गया, दाल चढ़ाऊँगी, कुकर में मसाला हमारा तैयार है पनीर वाली। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्लीन, और बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया था इसका हमारा। हमारा ये पंखा भी साफ़ हो गया, ये देख लीजिए, इस रूम का भी हो गया पंखा साफ। और मैं आपको बताऊँ तो ये भी हो गया, देखिए खुद पंखा का काम हो गया, क्योंकि ये अब कब आता है नहीं आता पता नहीं, जब ये आता तो टाइम नहीं होता हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा टीवी को क्लीन करूँगी, क्योंकि अब हम देखते हैं बिग बॉस कल से। ये देखिए मैंने ये सोफ्टी के लिए कम्बल निकाल के धूप पे डाल दी हूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन करवा के जो रखी थी ना, तो मैंने कहा चलो ये ले जाएगा, अभी बोल रहा नहीं ले जाऊँगा, दिवाली में आऊँगा तब ले जाऊँगा। तो दो कम्बल चाहिए, क्योंकि ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी अपने घर का तो बचा हुआ ही है हमारा, हम सबसे बड़ा काम हो गया। और आज मैंने ये नई वाली कुर्ती पहनी हूँ। चलो आप लोग बने रहो, फिर मैं इधर का सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, रूम की सफाई भी नहीं हो अभी हमारी। मेरे YouTube फैमिली कैसे हो आप लोग? अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हम लोग क्या सिमरन, तो उसको दांत दिखाना है थोड़ा, दांत में जो मसाला डलवाया था ना पिछले साल, वो दांत का मसाला में उसको दर्द हो रहा है। तो उसको नाप मैंने कल दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को, नाप वगैरह दे दिए हैं अपने भाषा निकल जाता, और कैप लगेगा। और दूसरे वाले दांत में जो दो दांत में मसाला भरवाया था, तो एक जो दांत जिसमें दर्द होता है उसका मसाला फिर से निकाल रहे हैं, फिर दोबारा डालेंगे और तब कैप लगाएंगे। मतलब घर बैठे बैठे अभी 10,000 रुपये का खर्चा आ गया एकदम से, क्योंकि महारानी मूँगफली खा ली थी, दांत में दर्द हो गया, अब तैयार हो चुकी। कब बाल को समेट ले, सीत मत फाड़ लेना। तो अभी हम लोग जा रहे, देखेंगे अगर डॉक्टर के पास बना पाए, बड़ा सुंदर सा क्लिनिक बनाए। पहले उनका छोटा था, अभी बहुत ही अच्छा बनाए, और इलाज भी बहुत ही अच्छे करते हैं, वो दांत के इलाज अच्छे से करते हैं। तो चलो देखूंगी, कोशिश करूंगा अगर वीडियो बना पाऊँगी थोड़ा, तो नहीं बना पाऊँगी तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बता ही दी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, सब इधर का काम निपटा ली, झाड़ू मतलब झाड़ू नहीं सॉरी बर्तन भी मांज लिया शाम का, और कपड़ा भी थोड़ा सा धुल लो, और हम जा रहे हैं। आ चुके हैं हॉस्पिटल, अब जा रहे हैं अंदर। हम आ चुके हैं दांत के डॉक्टर हॉस्पिटल, और इधर बैठी है
जाएंगे इसके अंदर। तो ये बैठने के लिए केबिन है और इलाज अंदर में होता है। वो देना मेरे को क्या होता है इसको करो ना यार ये देख क्या क्या कौन ये बनी इसके क्या बोला नहीं एक सेट की अच्छा एक सेट की आई क्या हो जाते हैं जाऊँ जाऊँ तो वो लगभग क्या कॉस्ट पड़ जाती है उसकी उससे भी बड़ा कोई साइज आता है तो वो दे दें। इसमें कोई फर्क पड़ता है क्या यूट्यूब फैमिली कैसे हो सबको आज की गुड मॉर्निंग। और कल हम गए डॉक्टर के पास, मैं बताऊं करीब 2 घंटा लग गया हमारा और काम नहीं हुआ जिस काम के लिए गए थे, क्योंकि सफाई वगैरह तो दांत की मतलब वो जो है ना पहले ही मसाला वगैरह भर चुके थे, लेकिन एक्चुअली उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कैप जो लगवाना था उससे पहले थोड़ा इसको दांत में दर्द हो गया, तो बोल रहे थे हो सकता है इन्फेक्शन हो गया होगा। इस चक्कर से फिर से सारा मसाला निकाला गया इसका दोबारा से, मैं बताऊं। और जो कैप 2 दांत की लगानी है, तो जो 1 दांत की कैप इन्होंने नाप वगैरह ले रखे थे और बोले थे जयपुर से बन के आएगा, तो उसके लिए बोले कि अच्छी वाली क्वालिटी की लगाएंगे, वैसे 3,000 की, लेकिन अच्छी थोड़ी सी और भी अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे तो 3,500 रुपये बोले थे 1 कैप की। रूट कनाल वगैरह मसाला वगैरह तो पहले ही हमने करवा रखा था, वो भी एक्चुअली ख़राब ही हो गया एक तरफ का, वो कल बैठा नहीं, जो लगाना था ना तो वो बैठा ही नहीं, कैप उसमें ऊंचा नीचा हो रखा था, तो फिर उन्होंने लगा के सेट करके देखा और फिर उन्होंने हटा लिया, बोला कि सही नहीं बैठ रहा है इसका, दोबारा से फिर बनवाना पड़ेगा। तो वो तो 1 कैप वाला हुआ ही नहीं, पहले हम 2 घंटे तक बैठे रहे, उसके बाद जब गए अंदर तो वो कैप भी नहीं सेट हुआ, उसके बाद जो इसमें इंजेक्शन डाल डाल के मसाला एक बार भरते हो आप, एक बार निकालते उसको खरोंच खरोंच के, तो ये समझ लो कि मैं गई थी 5 बजे और 7 बज गए, काम हुआ भी नहीं। तो अभी फिर आज शाम को फिर से बुलाए हैं और कल भी बुलाए हैं, शायद से उसी का मसाला दोबारा से भरेंगे, जो मतलब निकालेंगे फिर भरेंगे, तो उसके में बोल रहे थे टाइम लगेगा, ये वाला कैप में भी अब टाइम लगेगा क्योंकि जयपुर से बन के आएगा, इसलिए काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा, ये है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, ये नहीं कि जल्दबाजी कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं करते हैं। जो भी फीस भी 200 रुपये है और जो भी कैप वैप का मसाला वसाला वो तो लगेगा ही कहीं भी, लेकिन काम अच्छे से करते, शांति से, जल्दबाजी नहीं करते हैं। कल भी परसों भी एक्सरे करके देखे थे, कल फिर से एक्सरे करके देखे हैं, तो बोल रहे कि अभी थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसके लिए मुझे पूरा प्रोसेस अच्छे से करना पड़ेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब जाएंगे इसके कैप लग जाएगा तो ज़रूर दिखाएंगे, वीडियो भी चुप चुप के बनाई क्योंकि हॉस्पिटल का थोड़ा सा रूल होता है ना।
तो उनको पता नहीं चला, मैं थोड़ा थोड़ा बना ली, तो मैंने कि चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और बस इसका आप देखो कब गैप लगता है, कब क्या होता है, अभी प्रोसेस इसका चलता रहेगा। मैंने कि दिवाली तक यही चलता रहेगा क्योंकि फिर साफ़ सफाई भी हमें शुरू करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और दांत आँख का प्रॉब्लम अभी सबको हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादातर हो रहा है आजकल। तो चलो, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब इसका पूरा हो जाता है ना, क्या इसके दांत में प्रॉब्लम, तो मैं किसी और एक पूरा वीडियो बना के, क्योंकि आगे से अगर प्रॉब्लम हो ना तो इससे सावधान हो जाए किस प्रॉब्लम से हुआ और इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है इसका। क्योंकि हमने अपना खुद जान, मतलब ये समझ तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है जानबूझ के, वही वाली बात हो गई है। तो आप लोग वो गलती ना करें, मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी पूरे वीडियो में क्या हुआ और किस परेशानी का इतना हमें झेलना पड़ रहा है। तो चलो, सब्जी मैंने चढ़ा दी, बैंगन आलू की भाजी जो बोलते हैं, वो वाली बैंगन आज मिल गई थी कल, तो वो वाली मैंने ले ली। सिमरन खा लेती है, देखो अब आज खाती है कि नहीं। और ये देखो एक ना दाना निकल गया, कैसा दाग पड़ गया, दाग हट ही नहीं रहा। चलो मैं काम वाम करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।